तहसील विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर कला में रात के अंधेरे में भू माफियाओं ने हरे भरे आम के कई दर्जन पेड़ों पर आग जला दी और संबंधित विभागों को कानों कान तक खबर नहीं लगी। विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर कला में भू माफियाओं ने हरे भरे पेड़ों को आरी से काट दिया। हमेशा की तरह इस बार भी संबंधित विभागों को मीडिया की तरफ से आम के पेड़ों को काटने की सूचना दी गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर उद्यान विभाग के साथ बागवानी को बचाने के लिए जो विभाग जिम्मेदार है, आखिर उनका खुफिया तंत्र कहाँ आग बंद करके सो रहा है? नेशनल हाईवे से लगता हुआ आम का बाग आखिरकार रातों रात काट दिया गया, किसी को कानों कान इसकी भनक तक नहीं लगी। मौके पर आम के विशाल पेड़ पूरी तरह से कटे हुए पड़े हुए मिले हैं। मौके पर जांच के लिए पहुंचे उद्यान विभाग की टीम के अधिकारी जीडी वर्मा उद्यान उप निरीक्षक ने बताया लगभग 30 से अधिक हरे भरे आम के पेड़ों को काट दिए गए, जिस पर विभाग की ओर से भूस्वामी के विरुद्ध FIR दर्ज की जाएगी। विकास नगर से इंद्रपाल सिंह की रिपोर्ट। में हम ये कहेंगे कि भाई आगे क्या कहे हैं, ये जो बिल्कुल अनुचित है। हम एक तरफ से बगीचे के सर्वे करवा रहे हैं, अपने आप भी जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई काट देते तो वो क्या कर सकते हैं? उसका हम जो सरकारी नियम है उसके आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी आपके स्तर से? हमारे स्तर से हम अपने उच्च अधिकारी से जो निर्देश मिलेंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने पेड़ कट गए लगभग? ये लगभग ये भी जो हमने देखा है कि लगभग 30 पेड़ है।